नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हिरा रसूल। आज हम आपको दिखाएंगे आईफा अवार्ड्स की कुछ खास झलकियाँ और बॉलीवुड हॉलीवुड स्टार्स की ढेर सारी मस्ती। आईफा पहली बार टैंपा बे में हुआ। हर बार की तरह इस बार भी बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड स्टार भी इसको लेकर दिखे सुपर एक्साइटेड। फ्लोरिडा के खूबसूरत टैंपा बे में सुपरस्टार्स ने एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हुए आईफा अवार्ड्स को अपने नाम किया। आइए देखते हैं कौन सा अवार्ड रहा किसके नाम। फ्लोरिडा के खूबसूरत टैंपा बे में हॉलीवुड बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के बीच हुए आईफा समारोह के दौरान दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री के स्टार्स ने एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हुए आईफा अवार्ड्स को अपने हिस्से में किया। करीब 80 करोड़ दर्शकों के सामने हुए आईफा 2014 के दौरान बॉलीवुड के कई टैलेंटेड स्टार्स ने एक दूसरे को कड़ी टक्कर दी। हॉलीवुड सुपरस्टार जॉन ट्रेवल्टा को आईफा 2014 में सबसे प्रतिभाशाली सेलिब्रिटी के अवार्ड से नवाजा गया। वहीं दीपिका पादुकोण, सोनाक्षी सिन्हा, ऋतिक रोशन और कई सारे सितारों ने अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस से इस शाम को और भी खूबसूरत बना दिया। शत्रुघ्न सिन्हा को आईफा 2014 के दौरान लाइफटाइम अचीवमेंट का अवार्ड दिया गया और उन्हें ये सम्मान उन्हीं की बेटी और बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने दिया। शत्रुघ्न सिन्हा ने ये अवार्ड भारत के सभी लोगों को डेडिकेट किया। आशिकी 2 फिल्म को इसके बेहतरीन गानों की लिरिक्स के लिए बेस्ट लिरिक्स अवार्ड से नवाजा गया। साथ ही भाग मिल्खा भाग ने कुल 9 अवार्ड्स अपने हिस्से में किए। दीपिका पादुकोण, जो इस अवार्ड्स फंक्शन में कई सारे अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुई थी, उन्हें इस साल की बेस्ट एंटरटेनर का अवार्ड दिया गया। धनुष को बेस्ट डेब्यू के अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर धनुष ने कोलावरी डी गाना भी सुनाया। शिल्पी मिश्रा के साथ सौरभ शर्मा, भास्कर न्यूज। बेस्ट एंटरटेनर ऑफ द ईयर दीपिका पादुकोण। बेस्ट डेब्यू अवार्ड धनुष रांझणा। बेस्ट पिक्चर भाग मिल्खा भाग। बेस्ट परफॉर्मेंस इन लीडिंग रोल मेल फरहान अख्तर, भाग मिल्खा भाग। बेस्ट परफॉर्मेंस इन लीडिंग रोल।